अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो कोरोना वायरस के मुतल्लिक पूछा जा रहा है। बाज़ लोग पूछ रहे हैं क्या कुरान पाक में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल निकलता है वो सच्चा है? ये बिल्कुल गलत है। तमाम उलमा इकराम ने इसको क्लियर कर दिया। क्या प्याज खाने से कोरोना वायरस? मेरे भाइयों देखो, पूरी दुनिया के साइंसदानों को अभी तक इसकी वैक्सीन दवाई इजाद नहीं कर सके, बना नहीं सके, लेकिन हमारे पाकिस्तानी ये फेसबुक के यूट्यूब के जो डॉक्टर हैं इन्होंने कब से दवाइयां निकाल भी दी हैं। प्याज खाओ उससे हल कोरोना वायरस नहीं होगा, लहसुन खाओ उससे नहीं होगा। तो मेरे भाइयों ये तमाम बातें गलत है। आपको जो डॉक्टर कह रहे हैं, जो एहतियात बता रहे हैं, उस पर सिर्फ अमल करें। तो डॉक्टर आजकल क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जो आपके और मेरे प्यारे आका ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि सफाई जो है वो ईमान का हिस्सा है, तो ईमान में अगर सफाई शामिल नहीं तो ईमान मुकम्मल नहीं। तो मेरे भाइयों सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो इंशाल्लाह, और दुआ करो ज़्यादा से ज़्यादा। सफाई का ख्याल रखो, एहतियात करो, और उसके बाद दुआ करो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको कोरोना वायरस से महफूज रखेगा।